नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और देखते रहिए आज का एक खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को 20 पैसा का एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला सिक्के उसके डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला ये 20 पैसा सिक्के 1968 से लेकर 1971 तक मार्केट में चालू था और आरबीआई इसको रिलीज किया था 1968 में। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला ये 20 पैसा सिक्के की वेट है 4.5 ग्राम और 22 mm सर्कुलर सिक्के है। ये सिक्के की रीडेड एज है, आप लोग देख रहा है। तो दोस्तों मैंने ये सिक्के की प्राइस आप लोगों को बताएगा जरूर, लेकिन उसका पहले एक बात बता दूं, जो फिर भी मना करने का बाद बहुत सारे आदमी कमेंट्स बॉक्स में उसका फ़ोन नंबर डालता है। तो दोस्तों जिसका पैसा ज़्यादा है वो अगर नुकसान करने चाहता है तो हम लोग को कुछ कहने का नहीं, क्योंकि चीटर लोग ये फ़ोन नंबर लेके आप लोग को कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करने का नाम पर आपका सिक्के जो सिक्के है वो खरीदने के लालच देके आप लोग से पैसा चीट कर देगा। इसीलिए फिर भी मैं सबको बता रहा हूँ, कृपा करके कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर मत डालिए। तो दोस्तों मेरा हाथ में अभी देखिए 1968 का ये लोटस वाला 20 पैसा सिक्के दिखा रहा हूँ। दोस्तों 1968 का ये सिक्के दोनों मिंट से मिंटेज हुआ था, एक बॉम्बे और एक कलकत्ता, इसका प्राइस मैंने बताया था। इसका बात देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 1969 का सिक्का दिखाया आप लोगों को, अभी देखिए 1970 का ये सिक्के थोड़ा देखिए, ये बॉम्बे मिंट वाला सिक्के है। 1970 में भी कलकत्ता और बॉम्बे मिंट से ये सिक्के रिलीज हुआ था। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 20 पैसा एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला सिक्के की जानकारी दे रहा हूँ। ये है 1971 वाला बॉम्बे वाला सिक्के। दोस्तों 1971 वाला जो सिक्के वो सिक्के सिंगल मिंटेज हुआ था, सिर्फ बॉम्बे मिंट से मिंटेज हुआ था, मेरा हाथ में है उसको पहले। और एक बात बता दूं दोस्तों, 1970 का ये सिक्के हैदराबाद मिंट से भी मिंटेज हुआ था, तीनों मिंट से, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से 1970 वाला मिंटेज हुआ था। और 71 वाला ओनली वन मिंट से मिंटेज हुआ था, सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट। तो दोस्तों ये जो सिक्के मैंने आप लोगों को दिखाया इसका प्राइस मैं बताएगा अभी। तो दोस्तों 1968 का जो सिक्के है बॉम्बे और कलकत्ता से रिलीज हुआ था। दोस्तों कलकत्ता वाला जो सिक्के 1968 का वो स्क्वायर है, इसीलिए उसका दाम ज़्यादा है। कॉइनेज किताब जो है उसमें जो प्राइस दिया है मैंने वो प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों मिनिमम 25 रुपीस, उसके ऊपर 50 या 100 रुपया तक एक सिक्के सेल हो सकता है। और सिक्के की कंडीशन एकदम जेम यूएनसी होना चाहिए, डैमेज सिक्के की इतना प्राइस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 1968 वाला सिक्के की प्राइस मैंने बता दिया, अभी 1969 वाला सिक्के की प्राइस बताएगा। दोस्तों 69 वाला सिक्के बॉम्बे कलकत्ता दोनों मिंट से मिंटेज हुआ था। तो दोस्तों इसका भी प्राइस
कलकत्ता मिंट वाला जो है उसका प्राइस है 25 रुपीज से लेकर 50 और 100 रुपीज़ तक एक सिक्के सेल हो सकता है। दोस्तों कॉइनेज किताब में जो प्राइस दिया है मैंने वो बताया, तो दोस्तों कंडीशन ज़रूर उसको अच्छा होना चाहिए। इसका बाद आया 1970 वाला सिक्के। दोस्तों इंडिया का तीनों मिंट से ये सिक्के मिंटेज हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। तो दोस्तों ये सिक्के की कीमत तीनों मिंट का ही मिनिमम 10 रुपीज़, मैक्सिमम 20 रुपीज़। और 1971 वाला जो सिक्के है वो सिक्के बॉम्बे मिंट से सिंगल मिंटेज हुआ था, तो दोस्तों उसको प्राइस है मिनिमम 10 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। ये कॉमन सिक्के है, सिर्फ 68 वाला जो सिक्के है 1968 वाला कलकत्ता मिंट सिक्के वो स्क्वायर है। तो दोस्तों मैंने एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला 20 पैसा सिक्के की जो जानकारी दी, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही।